हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल 2022-23 में, ठीक है, 22-23 में जो है दुर्ग जीएमसी जो है आप लोग का चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज, इसको 150 सीटों के लिए एमबीबीएस की मान्यता मिल गई है। ठीक है, तो अच्छी बात है आप सभी स्टूडेंट के लिए जितने भी स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि सर हमें जीएमसी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कि दुर्ग जीएमसी इस बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट फाइनली एमसीसी ने यह बोल दिया है कि जो दुर्ग जीएमसी है वो इस साल से पार्टिसिपेट कर रहा है 150 सीटों के साथ में। अच्छी बात है आप सभी को के लिए। ठीक है, देखते हैं कि क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है ना, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एमसीसी का काउंसलिंग हो गया है, ठीक ना, राउंड वन का कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है राउंड टू की, तो राउंड टू का आप लोग का जो चॉइस फिलिंग का था, डेट था आप लोग का चॉइस फिलिंग का, ठीक है ना, सेकेंड राउंड का, उसको एक्सटेंड किया था। कब से कब था वो आप लोग का? 9 नवंबर से 9 नवंबर ही था, ठीक है ना, ये था। बट जो है आप लोग का जीएमसी दुर्ग का नोटिस आया है आप लोग का कि मान्यता मिली है, ये भी आया आप लोग को, कब आया है? 9 नवंबर को ही आया है। तो मेरे को नहीं लगता है कि जीएमसी जो दुर्ग है वो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करेगा, जो पूरा सीट है आप लोग का स्टेट कोटा में ही पार्टिसिपेट करेगा। तो लगभग आप यह मान सकते हैं कि 150 जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको इस साल एमबीबीएस के लिए नहीं मिल पाती सीटें, तो इस बार क्या कर सकते हैं, वो लोग स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ ही साथ उन लोग को उतने ही अच्छे मार्क्स पे एमबीबीएस भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ में भाई जितने भी स्टूडेंट जो है राउंड वन में एडमिशन ले चुके हैं, उन लोगों के लिए अच्छी चीज़ ये है कि आप लोग जो है न्यू कॉलेजेस हैं वहाँ पास अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। भाई कहाँ जा सकते हैं आप लोग? अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। क्लियर है, अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दुर्ग को नंबर 3 पे रख रहे हैं भाई, ठीक है ना, क्योंकि जीएमसी दुर्ग में पहले से ही यहाँ पास कॉलेजेस जो है आप लोग का एमबीबीएस चल रहा था, थोड़ा सा 4 साल का 0 ईयर था, फिर इसके बाद से आप लोग का फिर से क्या हो गया है, गवर्नमेंट भाई, पहले प्राइवेट फिर 0 ईयर, फिर क्या हो गया आप लोग का गवर्नमेंट हो गया है। तो इससे अच्छा कॉलेज तो और कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, साथ में आप लोग का ये सिटी में आता है, ठीक है ना, दुर्ग। तो ये था भाई, ठीक है, तो अच्छी बात है। साथ में अगर हम देखेंगे इसका सीट मैट्रिक्स, तो अगर जो है आप लोग का 150 सीटें अगर ऑल इंडिया कोटा में ही पार्टिसिपेट करता है, तो देखेंगे ना एसटी को 30 सीट मिलेगा, एससी को 24, ओबीसी को 21, और जनरल को कितना सीटें मिलेगा आप लोग का? जनरल को समथिंग मिलेगा 575 हो गया, क्या 3 to 4 575 हो गया, तो लगभग आप लोग को जनरल को जो 75 सीटें आप लोग को मिलेगा, ठीक है, जनरल कितने सीटें मिलेगा आप लोग का? 75। और यहाँ पास आप लोग को अभी तक ईडब्ल्यू सीटें नहीं आई हैं, और बोला भी गया है कि 150 सीटों के साथ ही क्या होगा, इस साल आपको अनुमति मिली हुई है, ठीक है, ये है। अगर इसके कुछ सीटें अगर चली जाती भाई ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है, चांसेस तो नहीं बनते जाने का, अगर फिर भी अगर चली जाती है तो लगभग आप लोग को 123 सीटें ही क्या होगी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है ना, जिसमें से एसटी को भाई 24, एससी को 19, ओबीसी को 17, और जनरल को 63 सीटें आप लोग को अलॉट होगी, ठीक है। तो ये था इसमें 3 12 6 20 123, कुछ है क्या समथिंग ऑफ 9 13 7 0 power 20 2 4 6 60, ठीक है, 60+63=63 भाई। तो ये था आप लोग का सीट मैट्रिक्स था कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है ना। साथ में भी इसका जो है जीएमसी दुर्ग का आप लोग का फीस स्ट्रक्चर आने आएगा भी, साथ में यहाँ का सीट मैट्रिक्स आप लोग को शो होगा भाई, ठीक है ना। बट यहाँ पर जो सीट मैट्रिक्स मैं लिखा हूँ वो क्या है आप लोग का एक एक्सपेक्टेशन है भाई, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड है, ऐसा पॉसिबल है कि वो आपका हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरे को इस वीडियो में यही बताना था कि जीएमसी दुर्ग है वो इस साल से ओपन हो गया है आप सभी के लिए, अच्छी बात है, खुशखबरी है। तो आप लोग जाएं, जो बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट हैं उन लोग खुशी मनाएं भाई, उन लोग को इस साल एमबीबीएस मिल रहा है। लगभग भाई अगर देखेंगे ना 63 सीटें आप लोग को मिल रहा है, मतलब बहुत बड़ी सीटें होती हैं 63 जनरल में। साथ में आप लोग यहाँ पर जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो कितना आप लोग का 50% है, तो बहुत ही आप लोग को फायदा हो रहा है, क्लियर है। तो ये भाई, तो आज के वीडियो यहीं तक का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।